Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uyaskini and today we are going to learn the correct usage of preposition. तो आज ही कुछ prepositions और situations आपके सामने आई एम गोइंग टू डिस्कस. इंशाल्लाह ताला यू विल गेट द न्यू आइडिया दैट हाउ यू कैन यूज़ द करेक्ट preposition इन अ गिवन सेंटेंस और इन अ गिवन सिचुएशन. So let's start the topic. जी नंबर वन, which preposition we can use for the place or the event. If we say go, come, travel. If we say or we are using the verbs go, come, travel for a place or for a event. कि हम जा रहे हैं किसी जगह के ऊपर और किसी इवेंट के ऊपर, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, देन वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन टू. लेट सपोज आई एम गोइंग टू चाइना, ठीक है, आई एम गोइंग टू चाइना, माय फ्रेंड इज़ गोइंग टू बेड. या लेट सपोज माय फ्रेंड वेंट टू द बेड, ठीक है, आई वेंट बैक टू द इटली. Why don't you go to the bank? ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल. उसके बाद my father will return to London. और why you don't go to a concert? तो ये देखें कि डिफरेंट यूजेज है. ये मैं पढ़ता जा रहा हूँ और आपको मैं उसके यूजेज वन बाय वन करके बताता जा रहा हूँ और उसके नीचे फिर हम इनकी एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे. क्योंकि जब भी आप प्रीपोजिशंस को याद करें तो ये सिचुएशंस देखें आपके सामने दी हुई हैं. ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस, दैट्स व्हाई यू कैन ईजीली गेट द कमांड ओवर द पर्टिकुलर प्रीपोजिशन इन अ सिचुएशन. तो काइंडली अपनी तरफ से इसको यूज़ कीजिए. जिस तरह देखें सिचुएशन लिखी हुई है और मैं सेंटेंस बना के आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, तो जब आप इस तरह इसको यूज़ करेंगे तो आप यूज़ टू हो जाएंगे और आप इसके साथ फेमिलर भी हो जाएंगे. अच्छा, उसके बाद वेलकम समबडी टू अ प्लेस. मिसाल के तौर पे कोई आता है तो उसको आपने किस तरह वेलकम करना है. माई फ्रेंड्स विल वेलकम टू माई रिलेटिव्स एट द पार्टी, ठीक है, टू द रिलेटिव्स. आप किनको जी वेलकम करेंगे, रिलेटिव्स को वेलकम करेंगे, कहाँ पे करेंगे, एट द पार्टी के ऊपर करेंगे. तो वेलकम के साथ हमेशा वी कैन यूज द प्रीपोजिशन टू, ठीक है. कम टू माई हाउस, वेन आई विल फ्री आई विल कॉल यू, देन यू हैव टू कम टू माई हाउस. जब मैं फारिग हूँगा मैं आपको कॉल करूँगा तो आप मेरे घर पर आ जाइएगा. उसके बाद जी टेक इन टू हॉस्पिटल. इफ़ यू फाउंड एनी पेशेंट ऑन द रोड देन यू हैव टू टेक दिस पेशेंट टू द हॉस्पिटल. अगर आप रोड के ऊपर किसी भी पेशेंट को देखते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको उठा के हॉस्पिटल पे ले जाएं. और इसी तरह ही सेंड टू द प्रिजन. द पुलिस हैज सेंड थ्री प्रिजनर्स और थ्री आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हम आपके पुलिस है, पुलिस ने तीन जो है नोबल पर्सन्स को, तीन जो है ऑनेस्ट पीपल को सेंड टू द प्रिजन. कहाँ भेज दिया है जी, जेल के अंदर भेज दिया है. उसके बाद ड्राइव टू द एयरपोर्ट. काइंडली इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू दैट यू हैव टू ड्राइव फास्ट टू द एयरपोर्ट. और ड्राइव टू फास्ट टू द एयरपोर्ट, ड्राइव फास्ट करें एयरपोर्ट की तरफ. तो आपको जो प्रीपोजिशन है इनका थोड़ा अंदाज़ा हो चुका है. अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. When are your friends going back to Italy? तो going back के बाद किसी place की तरफ जा रहे हैं तो हम preposition यहाँ पे to use करेंगे. We cannot use the preposition in. हम इस situation में in नहीं use करेंगे. ये sentence ऐसे नहीं होगा. When are your friends going back in Italy? हम क्या use करेंगे, back के साथ हमेशा हम preposition टू यूज़ करते हैं. उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, थ्री पीपल वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड टेकन टू द हॉस्पिटल. तीन लोग जो हैं वो एक्सीडेंट के अंदर क्या हुए हैं जी, इंजर्ड हुए हैं और उनको कहाँ ले जाया गया है जी, हॉस्पिटल ले जाया गया है. तो टेकन फ्रॉम नहीं आएगा या टेकन एट नहीं आएगा, टेकन के साथ वी कैन यूज़ अ प्रीपोजिशन टू.
ठीक है जी। उसके बाद वेलकम टू आवर कंट्री, वेलकम टू आवर पार्टी, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट, वेलकम टू आवर क्लास। तो वेलकम से के साथ हम हमेशा प्रपोजिशन टू यूज़ करते हैं जी। फोर्थ एग्जांपल, चीफ जस्टिस हैज सेंट हिम टू द प्रिजन फॉर 3 years। तो चीफ जस्टिस ने वो चीफ जस्टिस ने इस शख्स को भेज दिया है कहाँ पे जी, जेल के अंदर। कितने साल के लिए जी? 3 साल के लिए। प्रिजन्स, PRISON, ठीक है जी। 3 साल के लिए कहाँ भेज दिया है जी? जेल में भेज दिया है। तो ये आपको पता चला है कि जब भी अब हम हमारे पास वर्ब यूज़ हो रहे होंगे, गो, गम, ट्रैवल, और बात हो रही होगी किसी प्लेस की या किसी इवेंट की, तो देन वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशन टू। चलिए जी, सिचुएशन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इन द सेम वे वी से अ जर्नी टू, अ ट्रिप टू, अ विजिट टू, ऑन द वे टू, ठीक है जी। इसी तरह ही जर्नी के साथ भी हम प्रीपोजिशन टू यूज़ करेंगे, ट्रिप के साथ भी प्रीपोजिशन टू यूज़ करेंगे, विजिट के साथ भी टू, और जी वे के साथ ऑन द वे। ऑन द वे, अब ये आपको थोड़ा सा आपके लिए नया होगा कि जब भी बात होती है आई एम ऑन द वे, अक्सर बोलते हैं ना ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, सो डोंट डिस्टर्ब मी। तो अब जो भी आपका वे आता है वे के साथ आप यूज करते हैं, बट आपका जगह कहाँ जा रही है? आई एम ऑन द वे टू माई ऑफिस, आई एम ऑन द वे टू कराची, आई एम ऑन द वे टू माई होम। तो आप कोई भी, अगर आप किसी रास्ते पे और वो रास्ते के ऊपर आपकी मूवमेंट हो रही है और आप किसी जगह पे जा रहे हैं, तो फिर आप टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और टू के साथ आप हमेशा जो है उस जगह का नाम बताएंगे। बट अगर माय वे की बात आ रही है तो उसके साथ आपका प्रीपोजिशन हमेशा ऑन यूज होगा। एग्जांपल देखिए, डिड यू एंजॉय योर ट्रिप टू पेरिस, डिड यू एंजॉय योर ट्रिप टू पेरिस। तो ट्रिप के, ट्रिप के साथ आपका हमेशा प्रीपोजिशन टू यूज होगा। सेंटेंस नंबर टू, योर विजिट, या डू यू एंजॉय योर विजिट टू द जू। क्या आपने अपना, आपका जो विजिट था जू की तरफ, चिड़ियाघर की तरफ, क्या आपने वो एंजॉय किया? ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, डोंट वरी आई एम ऑन द वे टू स्कूल। जी काइंडली परेशान मत हो आप, मैं कहाँ पे हूँ? मैं जी ऑन द वे, और उसके बाद जी टू स्कूल। तो ये सिचुएशन देखे, रास्ते पे हूँ, रास्ते के साथ तो हम ऑन यूज़ करते हैं, बट आप जिस किस रास्ते पे, अगर आप किसी को बता रहे हैं कि मैं इस रास्ते पे हूँ और वह रास्ता वहाँ पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो वहाँ पे फिर आप ऑन द वे के बाद प्रीपोजिशन टू यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं जी। उसके बाद सिचुएशन नंबर थ्री के, वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशन टू फॉर द मूवमेंट, बट इन और एट फॉर द पोजिशन। हाउ? लेट्स सी द एग्जांपल्स। दे आर गोइंग टू फ्रांस। तो अब से इस सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है या पोजिशन बताई जा रही है? तो इस सेंटेंस के अंदर हो रही है मूवमेंट, ठीक है। दे आर गोइंग टू फ्रांस, तो गोइंग मतलब क्या है, आपकी मूवमेंट है, तो यू कैन यूज़ द प्रीपोजिशन टू फॉर द मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट के लिए आप प्रीपोजिशन टू यूज़ करते हैं, बट जब आप बता रहे हैं पोजीशन के बारे में, देन यू कैन यूज़ द प्रीपोजिशन इन और एट। हाउ? एग्जांपल देखें, दे लिव इन फ्रांस, दे लिव इन फ्रांस। अब ये पोजीशन बताई जा रही है ना, एक प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दे लिव इन फ्रांस। तो अब हम प्रीपोजिशन टू यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मूवमेंट की बात नहीं हो रही। एग्जांपल नंबर टू, कैन यू कम टू द पार्टी, कैन यू कम टू द पार्टी। अब किसी को बुलाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है जब वो आएगा तो मूवमेंट ही होगी ना। एक्चुअली द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट दैट ही शुड कम टू द पार्टी एंड ज्वाइन अस। तो कैन यू कम टू द पार्टी, मूवमेंट होगी तभी वो पार्टी की तरफ आएंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पे प्रीपोजिशन टू यूज़ कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, हाउ द डिफरेंट प्रीपोजिशन इज़ यूज। देखिए जी, आई विल सी यू एट द पार्टी, मैं आपको देखूंगा कहाँ पे जी, पार्टी के अंदर। तो अब यहाँ पे मूवमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, तो पोजीशन के साथ हम इन और एट यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास और वर्ब है, लेट सपोज गेट और ड्राइव, गेट और अराइव। गेट और अराइव के अंदर फ़र्क क्या है? गेट और अराइव दोनों ही सेम वर्ड है, आप इसको एक दूसरे की जगह के ऊपर
आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि अगर आप यूज़ करेंगे वर्ब गेट तो उसके साथ आपका प्रीपोजिशन हमेशा आएगा टू, ठीक है जी, क्या आएगा जी, टू। बट अगर आप यूज़ कर रहे हैं वर्ब अराइव तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन इन और एट यूज़ करेंगे। सिंपल सी बात है, तब फिर अराइव के साथ यू कैन नॉट यूज़ द प्रीपोजिशन टू, ठीक है। अब देखें, व्हाट टाइम डिड दे गेट टू लंदन, व्हाट टाइम डिड दे गेट टू वर्क, व्हाट टाइम डिड दे गेट टू द होटल, ठीक है जी। अब नीचे देखिए, अगर यही सिचुएशन होती अराइव के साथ, मिसाल के तौर पे व्हाट टाइम डिड दे अराइव इन लंदन, ठीक है, अब यहाँ पे टू लंदन नहीं होता। इसी तरह ही व्हाट टाइम डिड दे अराइव्ड एट वर्क, व्हाट टाइम डिड दे अराइव्ड एट द होटल। तो सिंपल सी बात है, अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं गेट, तो गेट के साथ आपने प्रीपोजिशन याद रखना है कि आपने टू यूज़ करना है, और अगर आप प्रीपोजिशन यूज़ करें, अगर आपका वर्ब है अराइव तो अराइव के साथ इन और एट यूज़ होगा। दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है और दोनों ही एक दूसरे की सिचुएशन के अंदर यूज़ हो सकते हैं। आगे चलते हैं, वी से अराइव इन अ टाउन, सिटी और कंट्री। अब अराइव जब भी आप इसके साथ यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन इन, तो आपने कब यूज़ करना है, जब किसी टाउन की बात हो रही हो, सिटी की बात हो रही हो, या कंट्री की बात हो रही हो। दे अराइव्ड इन लंदन, दे अराइव्ड इन लंदन, ठीक है जी। और इसी तरह ही इन स्पेन, दे अराइव्ड, अब लंदन भी एक सिटी है और स्पेन एक कंट्री है, तो दोनों सिचुएशन के अंदर आप यूज़ करेंगे इन अराइव्ड के साथ, ठीक है। उसके बाद फॉर अदर प्लेसेस, मिसाल के तौर पर जी बिल्डिंग्स या इवेंट्स की बात हो रही है, तो फिर आप यूज़ करेंगे अराइव के साथ एट। व्हेन डिड दे अराइव एट द होटल, व्हेन डिड दे अराइव एट द एयरपोर्ट, व्हेन डिड दे अराइव एट द पार्टी। तो जब भी जी अराइव के साथ आपने इन कब यूज़ करना है, जब आप बात कर रहे हो अराइव इन अ टाउन, इन अ सिटी और इन अ कंट्री। और आपने एट कब यूज़ करना है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेसेस जस्ट लाइक बिल्डिंग, इवेंट और एटसेट्रा। उसके बाद जी एक डिफरेंट यूजेज है प्रीपोजिशन का। अब काफ़ी बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है दैट यू कैन नॉट यूज़ द प्रीपोजिशन बिफोर द वर्ड होम, ठीक है। यू सिंपली यूज़ द वर्ड होम विदाउट द प्रीपोजिशन। यू कैन नॉट से, मिसाल के तौर पे आई एम टायर्ड, लेट्स गो टू होम नाउ, तो इस तरह आप यूज़ नहीं कर सकते। आप सिंपली क्या यूज़ करेंगे, आप जो है प्रीपोजिशन को यहाँ से रिमूव कर देंगे, लेट्स गो होम, लेट्स गो होम, आई एम टायर्ड, लेट्स गो होम नाउ। इसी तरह आई मैट लीसा ऑन द वे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ऑन द वे टू होम होना था ना, बट यहाँ पे होम से पहले प्रीपोजिशन टू काफ़ी जगहों पे यूज़ नहीं होता है। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास प्रीपोजिशन है इनटू, और इनटू हम किस सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। गो इनटू के साथ भी यूज़ होता है और गेट इनटू भी होता है, किस तरह जी, एग्जांपल देखते हैं। अब इनटू, इनटू जो है ना, आप ये अपने दिमाग में बिठाएं कि मिसाल के तौर पे एक स्ट्रक्चर है, अब यहाँ से मूवमेंट के साथ अगर आप किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो रहे हैं, ठीक है, फोर्स के साथ आप मूवमेंट करते हुए किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन इनटू यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे द एथलीट जंप इनटू द वाटर, द एथलीट जंप्ड इनटू द वाटर, तो अब फोर्स के साथ वो गया और वाटर के अंदर गया। तो जब भी कोई चीज़ फोर्स के साथ किसी दूसरी चीज़ के अंदर जाती है, मिसाल के तौर पर चाहे वो रूम हो, बिल्डिंग हो, वाटर हो या एट्सेट्रा कोई भी चीज़ हो, देन यू कैन यूज़ द प्रीपोजिशन इनटू, ठीक है, क्या यूज़ करेंगे, इनटू। आगे चलते हैं जी, आई ओपन द डोर, वेंट इन टू द रूम एंड सेट डाउन। देखिए, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया, तो जब मैं अंदर गया तो मैं मूवमेंट के साथ गया ना, यहाँ पे वेंट टू द रूम नहीं, वेंट इन टू द रूम होगा, ठीक है, एंड सेट डाउन, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया और मैं जाके बैठ गया। एग्जाम्पल नंबर टू, अ बर्ड फ्लू इन टू द किचन थ्रू द विंडो। अब जी जो बर्ड थी वो क्या जी, किचन के अंदर आई कहाँ से, ठीक है, या एक तरफ से आई जो बर्ड है किचन के अंदर और उस दूसरी तरफ से निकल गई। अब उसने मूवमेंट के साथ किचन में आई और किचन से गई ना, तो अब यहाँ पे आप जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो इनटू यूज़ करेंगे। एग्जांपल नंबर थ्री, एवरी मंथ माय सैलरी इज़
पेड डायरेक्टली इनटू माय अकाउंट बाय द गवर्नमेंट। हर महीने जो मेरी सैलरी है वो मुझे मिल जाती है डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर। तो जब भी अकाउंट की बात होती है तो वहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं इनटू, क्योंकि जो मनी आती है वो आपकी बिल्कुल फ्लो के साथ आ रही होती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आती है। तो इस वजह से इस सेंस के अंदर भी आप प्रीपोजिशन इनटू यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं जी, विथ सम वर्ब्स स्पेशली गो, गेट और पुट, वी ऑफन यूज इंस्टीड ऑफ इनटू। ठीक है जी, अब इनके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इनके अंदर हम यूज़ करते हैं ये इनटू यूज़ नहीं करते। अब इनके जगह हम क्या यूज़ करते हैं, इनकी जगह पे हम इन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह, शी गॉट इन द कार एंड ड्रूव अवे, और शी गॉट इन टू द कार। अब इसके अंदर दो जो है ओपिनियन मिलते हैं कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं तो आप गॉट के साथ इन भी यूज़ कर सकते हैं और जी उसके साथ साथ आप इनटू भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही जो प्रीपोजिशन है वो दोनों ही सही है, ऐसे नहीं है कि एक सही है और एक गलत है। तो शी गॉट इन द कार एंड ड्रूव अवे। और इसके अलावा हम इस तरह भी सेंटेंस को लिख सकते थे, शी गॉट इन टू द कार, शी गॉट इन टू द कार। तो दोनों ही आपके प्रीपोजिशन बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं, आई रीड द लेटर एंड पुट इट बैक इन द एनवेलप, आई रीड द लेटर एंड पुट इट बैक इन द एनवेलप। मैंने जी लेटर खत पढ़ा और उसके बाद उसको वापस किसके अंदर रख दिया, लिफाफे के अंदर रख दिया। तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन इन यूज़ हुआ है, यहाँ पे इन टू भी यूज़ कर सकते थे। आगे चलते थे, द अपोजिट ऑफ इन टू इज आउट ऑफ। तो इनटू का जी जो अपोजिट है वो क्या है, आउट ऑफ। अगर आप कोई चीज़ डाल रहे हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं इनटू, और अगर कोई चीज़ एकदम बाहर आ रही है, जैसे मूवमेंट की बात हो रही थी, किसी भी चीज़ के अंदर कोई चीज़ मूवमेंट के साथ जा रही है तो इनटू, अगर कोई चीज़ बाहर आ रही है तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे आउट ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं, शी गॉट आउट ऑफ द कार एंड वेंट इनटू द शॉप। ठीक है, वो जी फोर्स के साथ ही कार से बाहर निकली और उसके बाद वो एकदम फोर्स के साथ ही शॉप के अंदर चली गई। तो दोनों साइड के अंदर क्या बात हो रही है, दोनों साइड के अंदर जो बात हो रही है वो मूवमेंट की हो रही है और फोर्स के साथ हो रही है मूवमेंट। तो मूवमेंट एक जगह से हो रही है, कहाँ पे जी, कार में से बाहर निकल रहे हैं, वो बाहर निकल रही है। तो शी गॉट आउट, तो गॉट आउट ऑफ, जैसा कि आपको बताया जी आउट ऑफ क्या है, इंटर में या अपोजिट है इनटू का। तो अगर आप यहीं पे सेंटेंस होता है, शी गॉट इनटू द कार, ठीक है, शी गॉट इनटू द कार एंड वेंट आउट ऑफ अ शॉप, वो जी कार के अंदर आई, शॉप से निकल के कार के अंदर आ गई। बट अब हम कह रहे हैं वो कार से निकली और शॉप के अंदर गई, तो शी गॉट आउट ऑफ द कार एंड वेंट इनटू अ शॉप। ठीक है, आगे चलते हैं, वी यूजुअली से गेट ऑन ऑफ अ बस और ट्रेन और अ प्लेन, नॉट यूजुअली इनटू और आउट ऑफ। बट जी एक आपने जहन में बात रखनी है कि जब भी आप ट्रेन के ऊपर हैं, बस के ऊपर हैं या प्लेन के ऊपर हैं, तो देन यू कैन नॉट यूज़ इनटू और आउट ऑफ। जैसे आप ट्रेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, अब कार के साथ तो आपने यूज़ कर लिया, बट यही सिचुएशन आप ट्रेन के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बस के साथ यूज़ नहीं कर सकते, प्लेन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उस सिचुएशन के अंदर आप क्या यूज़ करेंगे, ये देखिए, शी गॉट ऑन द बस, गॉट के साथ आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन। अब अगर उतर गए, शी गॉट ऑफ द बस, शी गॉट ऑफ द बस, तो अब यहाँ पे इनटू नहीं यूज़ होगा। ठीक है, शी गॉट इनटू द कार, ठीक है, जैसा कि कार के साथ हम यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे जो है आप सिंपली ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, शी गॉट ऑन द बस एंड आई नेवर सॉ हर अगेन, वो जी बस के ऊपर चढ़ गए और उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। तो काइंडली जी इस जो आपको प्रीपोजिशंस का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही प्रीपोजिशंस है बट डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर यूज़ हुए हैं। काइंडली जी वीडियो को देखिए, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, खुदा हाफिज़।